हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मीडियंस का, दैट इज योर प्रैक्टिस सेट 6.2 क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, जिसे आप मीडियन के हिसाब से भी जानते हैं। इसके पहले हमने जो भी कंप्लीट किया वो हमने मीन का पूरा, जो कि 6.1 के अंदर है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मीडियन, दैट इज विच इज इंक्लूडेड इन योर प्रैक्टिस सेट 6.2। तो चलिए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में आपको क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर वन अगर हम बात करें तो ये मीडियन का एक क्वेश्चन है। कैसे मुझे पता चलेगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन के एंडिंग में आपको दिया रहेगा फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स ऑफ आवर्स दे वर्क, बराबर। अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई, तो इसका मीडियन फाइंड करना है। अब याद रखना, जब भी आपको मीडियन फाइंड करना है ना, तो हमेशा आपको सबसे पहले क्या फाइंड, कितना टेबल बनेगा यहाँ पर, तो तीन टेबल बनेगा। सबसे फर्स्ट टेबल जो आप देखो, दो टेबल तो आपको यहाँ पर दिया, ये दो टेबल रहेंगे, इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा टेबल बनेगा, दैट इज योर सी एफ। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक अलग टेबल आपको बनाना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं आती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा जब आप बनाएंगे वो हमेशा लेस देन टाइप होगा। क्या होगा भाई, तो लेस देन टाइप। वो बताऊंगा मैं आपको क्या होता है लेस देन टाइप। दो तरीके की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने 9th में पढ़ी, एक लेस देन टाइप पढ़ी, एक मोर देन टाइप पढ़ी, बट हम यहाँ पर जो बनाएंगे वो हमारा होगा लेस देन टाइप। तो चलिए इसका आंसर देखते कैसे सॉल्व आउट होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला भाई, तीन टेबल बनेगा। देखो यहाँ पर आपको तीन टेबल दिख रहा है। सबसे फर्स्ट ये जो क्लास है, ये तो आपको वैसे ही दिया हुआ है, जो जो वैल्यू आपको दी है क्लास की, आपने वो सेम वैल्यूज लिखी है। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया 150, नंबर ऑफ वर्कर जो वो आपका फ्रीक्वेंसी में आएगा 150, 500, 300 और 50। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, फर्स्ट टेबल में लिखूंगा 150, फिर आएगा आपका 500, फिर आएगा आपका 300 और यहाँ पर आएगा आपका 50। अब यहाँ पर इसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो मैंने क्या बोला भाई, लेस देन टाइप बोला है। तो ध्यान रखना, जब भी लेस देन टाइप बोला रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये 150 को लिख दो यहाँ पर, बराबर, फर्स्ट नंबर आपने लिख दिया। अब सेकेंड नंबर के लिए क्या करेंगे, ये 150 और ये 500 को प्लस करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा 150 प्लस 500 विच विल बी इक्वल टू माई 650, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, ये 650 को 300 के साथ ऐड करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 650 प्लस 300, तो ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो 950। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये 950 किसके साथ ऐड होगा भाई, अभी आपको समझ गया रहेगा, 50, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 1000। अगर आपको मैं बताऊं तो ये यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो करता है भाई, तो जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। देखो सबसे पहले ये इधर गया, फिर ये इसके साथ प्लस होगा, फिर आंसर आएगा, फिर इसके साथ प्लस होगा, फिर आंसर आएगा, फिर इसके साथ प्लस होगा, फिर फाइनल आंसर आएगा। अब याद रखना, इसका जो फाइनल आंसर है यहाँ पर, ये जो 1000 है, दिस 1000 आंसर विल मैच विद दिस आंसर। ये 150, 500, 350 को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका कितना रहेगा, 1000। ये 1000 और ये 1000 भाई क्या होना चाहिए, ये दोनों आंसर आपके क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए। अगर मैच करें तो आपका आंसर राइट जा रहा है, अगर नहीं मैच करें तो क्वेश्चन गलत जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और कैसे ये सारे वैल्यूज को आप लिखेंगे। अभी इतना करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपका काम शुरू होगा। हाँ, ये आपका मीन के जैसा नहीं है कि आपने टेबल बना दिया और आपके आंसर्स आ जाएंगे भाई, इट इज़ डिफिकल्ट इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है भाई, तो फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, फॉर्मूला जब भी मैं मीडियन का फॉर्मूला बोलूंगा, तो देखो भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में, एल प्लस ब्रैकेट में आपका क्या आएगा भाई, तो एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, तो एफ आएगा, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, तो एच से मल्टीप्लाई होगा। चलिए अब एक एक टर्म यहाँ पर देखते हैं। एल का मतलब क्या होता है भाई, तो लोअर लिमिट। क्या होता है, एल मतलब होएगा भाई, तो लोअर लिमिट। इसके बाद एन मतलब क्या होता है, टोटल टोटल फ्रीक्वेंसी, अभी जो हमने ऐड किया ना, टोटल फ्रीक्वेंसी रहेगा आपका कौन भाई, तो एन रहेगा। उसके बाद अगर मैं सी एफ की बात करूँ, तो सी एफ मतलब क्या रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी जो हम निकाला जो हमने वही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एफ की बात करूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और एच मेरा क्या रहेगा भाई, तो क्लास विड्थ रहेगा। क्या रहेगा, क्लास विड्थ, या फिर इसको कोई कोई हाइट भी बोलता है। क्या बोलता है भाई, तो हाइट भी इसको बोला जाता है। एच को आप एक दूसरा नाम भी देते हो, दैट इज वेल हाइट ऑफ क्लास, बराबर। अब मुझे क्या करना पड़ता है, देखो भाई जब भी मैंने ये टेबल बनाना, तो सबसे पहले मुझे टेबल में से ये सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब टेबल में से अगर मुझे ये वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला भाई, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डिसाइड करना है, एन का वैल्यू दिया है, हमेशा सबसे पहले आपको एन का वैल्यू पकड़ना है।
किसका वैल्यू पकड़ना है, चलो यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले आपको एन का वैल्यू पकड़ना है, एन का वैल्यू आपको कितना मिला भाई, तो 1000 मिला है, बराबर। एन का वैल्यू 1000 मिला है। अब ये एन से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन अपॉन टू, याद रखना कोई मीडियन करे या फिर मोड करे तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, एन अपॉन टू। तो यहाँ पर 1000 हो गया, डिवाइड बाई टू करूंगा तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 5000 हो जाएगा, बराबर। अब ये 5000 ही मेरे ये सारे वैल्यूज को डिसाइड करेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या कौन सा रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ये सारे वैल्यूज को डिसाइड कौन करेगा, तो मेरा 5000 ही डिसाइड करने वाला है, बराबर। चलिए अब हम निकालते हैं, सबसे पहले क्लास विड्थ निकालते हैं। देखो मेरे को एक एक वैल्यू चाहिए, मेरे को सबसे पहले क्या मिल गया भाई, तो एन अपॉन टू मिल गया, एन अपॉन टू कितना मिल गया, तो भाई 5000। अब हम टेबल के पास चलते हैं, टेबल में 5000 आपको किधर दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी में चेकआउट करने का 5000। देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या 5000, यहाँ पर आपको 5000 दिख रहा है, यस। अब ये जो आपका 5000 है ये हमेशा आपका क्या रहेगा भाई, तो एफ रहेगा, क्या रहेगा भाई, तो एफ रहेगा, क्योंकि आपका देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर चार वैल्यूज है, एक आपका है 150, याद रखना हमेशा, अगर यहाँ पर चार वैल्यूज है जैसे 150 है, फिर कितना है भाई, तो 500 है, फिर कितना है 300, और फिर लास्ट में 50 है। जब भी ऐसे चार वैल्यूज रहेंगे तो हमेशा आपको ये 4/2 मतलब इसका हाफ वैल्यू आपको कंसिडर करना है, हाफ में अगर आप जाओगे तो 4 का हाफ कितना रहता है 2, तो ये 500 वाला आपका किस किसका वैल्यू रहेगा भाई, तो एफ का वैल्यू रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई, एफ का वैल्यू, मतलब जो मैं एफ की जगह वैल्यू कंसिडर करने वाला हूँ वो मेरा क्या रहेगा 500। अब सपोज अगर मेरा नंबर 5 होता, सपोज ऐसा होता 75, 25, 36, 48, 59, तो यहाँ पर मैं क्या करता, ऊपर से दो नंबर को छोड़ता और नीचे से दो नंबर को छोड़ता, और ये बीच का नंबर मेरा क्या रहता भाई, तो एफ का वैल्यू रहता। आई होप आपको समझ में आया कि ये एफ का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये किसके लिए भाई अगर इवन डिजिट है तो, और ये किसके लिए भाई अगर ऑड डिजिट है तो। तो चलिए हम मैंने आपको बता दिया कि एफ का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब एफ का वैल्यू तो आपको समझ में आ गया भाई कितना रहेगा आपका, एफ का वैल्यू रहेगा तो भाई 500 रहेगा। अब ध्यान देना, एफ का वैल्यू जो निकल गया ना, अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, तो सी एफ का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए भाई, तो सी एफ। अब ध्यान देना, जब भी मैंने एफ का वैल्यू निकाल दिया तो मैं जो सारे के सारा वैल्यू कंसिडर करूंगा, अब ये मेरा सिर्फ इसी टेबल से कंसिडर होगा, कौन से टेबल से भाई, तो ये वाला जो आपका टेबल दिख रहा है, ये टेबल। अब जो आपने एफ का वैल्यू निकाला है उसके ऊपर का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, तो भाई सी एफ रहेगा। देखो मैंने क्या बोला कि ये आपका वैल्यू कौन सा रहेगा भाई, तो एफ का वैल्यू रहेगा, बराबर। ये आपका एफ का वैल्यू है, और ये वाले टेबल में अगर मैं चेक करूँ तो ये जो मेरा पूरा टेबल बना है, ये मेरा पूरा टेबल क्या हो जाएगा, एफ का टेबल हो जाएगा, बराबर। अब इसके ऊपर वाला जो ये जस्ट वैल्यू है ना भाई, ये आपका क्या रहेगा, तो सी एफ का वैल्यू रहेगा। तो हमेशा याद रखना, एफ के ऊपर वाले जस्ट टेबल में एफ के सामने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाला, इसको नहीं कंसिडर करना है, इसके ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको कंसिडर करना है। तो सी एफ का वैल्यू इधर आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 150 हो जाएगा। फिर क्लास विड्थ की बात करें, अगर एच, ये तो आप कहीं पर भी निकाले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का वो आपका क्या रहेगा भाई, तो क्लास विड्थ रहेगा। तो यहाँ पर चेकआउट करें, अपर लिमिट आपका देखो कितना है, अपर लिमिट देखो अगर ये टेबल की देखे तो ये कितना है, अपर लिमिट आपका है 12, 12 माइनस 10, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 1, 2, 3, ये तीन वैल्यूज मुझे मिल चुके। अब मुझे और कौन सी वैल्यूज चाहिए, देखो एल चाहिए लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट मैं कौन सा उठाऊंगा, अभी मैंने बोला ये ब्लैक वाला जो बॉक्स है, अभी जैसे आपने फ्रीक्वेंसी मार्क कर लिया ये ब्लैक वाला बॉक्स ही आपके काम का है। इसमें लोअर लिमिट क्या भाई, 10 है, तो यहाँ पर एल का वैल्यू कितना रहेगा भाई, तो 10 रहेगा। लोअर लिमिट आपका कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। बाकी सारे वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए, एल मिल गया, एन बाई टू मिल गया। देखिए एल भी हमने ढूंढ लिया, एन बाई टू भी ढूंढ लिया, सी एफ भी ढूंढ लिया, एफ भी ढूंढ लिया, और एच भी ढूंढ लिया। अब मुझे क्या करना है, ये सारे के सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, और फाइनली मुझे क्या लाना है, मेरे आंसर को लाना है कैलकुलेट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए n/2 का वैल्यू हमें कितना मिला, 500। f का वैल्यू भी हमें कितना मिला, तो भाई 500 हमने कंसिडर किया, क्योंकि वो चार में से दो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा वैल्यू कंसिडर किया, तो cf कंसिडर किया। अब cf का वैल्यू देखो आपको कितना दिया, cf का वैल्यू हमने कितना कंसिडर किया भाई, तो 150। देखो यहाँ पर ऊपर हमने कंसिडर किया सारे के सारे वैल्यू, cf को देखो 150 लिया, f को 50 लिया। h मेरा कितना है भाई, तो h मेरा 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एच दैट इज माई क्लास विड्थ इज इक्वल टू 2। और उसके बाद एक और मेरा दैट इज एल का वैल्यू मेरा कितना दिया, तो 10 दिया मेरा लोअर लिमिट। अब मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग मीडियन फॉर्मूला। मीडियन फार्मूला अगर आप यूज करोगे तो मीडियन फार्मूला क्या है भाई, तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। फॉर्मूलाज आप एक दो बार लिखोगे तो आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी,
एल का वैल्यू देखो आपने कितना निकाला, एल का वैल्यू 10 निकाला, फिर प्लस। अब ध्यान देना यहाँ पर सबसे पहले आप ये सारे पार्ट्स को सॉल्व आउट करेंगे। एन बाई टू का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला देखो, ऊपर एन बाई टू का वैल्यू देखो 500 है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे भाई, तो 500 रखेंगे। 500 माइनस सी एफ का वैल्यू हमने निकाला 150, डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू हमारा कितना है 500 इंटू एच, एच की जगह क्या है देखो, एच की जगह है 2, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, तो 2 लिखोगे। फिर इक्वल टू आएगा, फिर ये होगा 10, फिर ये प्लस, ये होगा 500 माइनस 150 कितना होगा भाई, तो 500 माइनस 150 आपका कितना हो जाएगा, ये देखो ये आपका 500 माइनस 150, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो इधर का आंसर ऊपर का कितना आएगा 350 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने बोला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर देखो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 10 प्लस ब्रैकेट 35 इंटू 2 अपॉन 50 हो जाएगा। अच्छा 35 टू जा कितना होता है भाई, तो 70 होगा, तो यहाँ का आगे का फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, 10 प्लस ब्रैकेट ये हो जाएगा 70 अपॉन 50, अब इसमें वापस 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 7/5। अब जब मैं 7/5 को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा देखो भाई, चाहिए तो आप इसको डिवाइड करके ले लो, ये हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 हो जाएगा बराबर, यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 1.4 विच इज़ इक्वल टू 11.4, 11.4 आपका क्या हो जाएगा भाई, तो मीडियन हो जाएगा। फाइनल आंसर आपको लिखना कैसे लिखेंगे देखो, देयरफोर मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इज 11.4, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसमें थोड़ा सा तकलीफ आपको किधर होगा, तो ये टेबल में तकलीफ होगा, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सेम बोला, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हम हमेशा याद रखना, मीडियन बोला तो सबसे पहले हमें क्या निकालना भाई, तो सबसे पहले हमको निकालना है सी एफ, क्या निकालना है सी एफ निकालना है, उसके बाद हमें एन बाई टू करना है, क्या करना है एन बाई टू। फर्स्ट स्टेप क्या होगा सी एफ, सेकेंड स्टेप क्या होगा एन बाई टू, एन बाई टू करते ही थर्ड मेरे को क्या मिल जाएगा, एक रो मिल जाएगा मुझे, जिसमें से मैं क्या करूँगा सारे वैल्यूज़ को क्या करूँगा कंसिडर करूँगा, सारे वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, सारे वैल्यूज़ आप उसी रो से उठाओगे। तो चलिए देखो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी कितना दिया, तो सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया 33 दिया है। चलो फ्रीक्वेंसी चेकआउट करें तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, तो 33 लिखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको कितना दिया है 30 दिया है, उसके बाद आपको कितना दिया भाई, तो 90 दिया है, 90 के बाद आपको कितना दिया देखो भाई 80 दिया, और यहाँ पर आपको कितना दिया 70 दिया, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है। अच्छा इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे लिखना भाई 33 फर्स्ट कॉलम सेम टू सेम, अब ये 33 ऐड किससे होगा, तो ये 30 से ऐड होगा और वैल्यू इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 33 प्लस 30 इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। अब ये 63 का वैल्यू, ये वाले कॉलम का वैल्यू किससे ऐड करूंगा 90 से ऐड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 90 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा, बराबर है 153 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 153 को किसके साथ ऐड करेंगे, ये टेबल अब किसके साथ ऐड होगा भाई, तो 80 के साथ ऐड होगा, यहाँ पर आएगा 153 प्लस 80 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 233, ये किसके इक्वल हो जाएगा तो 233। अब 233 को मैं किसके साथ ऐड करूँगा, ये कॉलम ऐड होगा आपका 17 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा 233 प्लस 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 250। मैंने क्या बोला इसका टोटलिंग कितना आना चाहिए 250 आना चाहिए, और ये दोनों आंसर हमेशा क्या होने चाहिए, तो भाई मैचिंग होने चाहिए, क्या होने चाहिए मैचिंग। सबसे पहला काम देखो, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या लिखा सी एफ, ये फर्स्ट स्टेप मेरा डन आउट हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा भाई, तो एन बाई टू निकालूंगा, तो एन बाई टू के लिए हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो एन बाई टू, एन का वैल्यू मुझे कितना मिला भाई, तो 250 मिला है, तो एन बाई टू मेरा कितना हुआ, एन बाई टू विल बी माई इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू 125। अब चेकआउट करो एन बाई टू मुझे क्या देगा भाई, तो एन बाई टू मेरा क्या देने वाला है, मुझे देगा यहाँ से ग्रुप देगा। अब एन बाई टू के लिए हमेशा याद रखना n बाई टू की वैल्यूज़ को आप किधर चेकआउट करोगे, तो सी एफ में चेकआउट करना, किस में चेकआउट करना भाई, तो सी एफ में, क्योंकि इसमें तो कुछ आने वाला नहीं है। सी एफ में अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर मेरा 1/2 125 आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, नहीं आएगा, 153 में आएगा क्या, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या है 63 और यहाँ पर नंबर क्या है 153, और इन दोनों के बीच में मेरा नंबर क्या आएगा 125,
तो यहाँ पर जो ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम मेरा 63 पे क्लोज हो जा रहा है। 64 के बाद सारे नंबर मेरे इस कॉलम में आएंगे, तो ये जो मेरा कॉलम होगा इसको, सॉरी रो होगा, इसको मैं क्या बोलूँगा भाई, तो मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मीडियन क्लास। अब आपका थर्ड स्टेप भी हो गया, आपने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये समझा। हमेशा याद रखना, जब भी आपका जो भी एन बाई टू का वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा एन बाई टू का वैल्यू, देखो आपको कितना है, 125, इसको आपको लोकेट करना है यहाँ पर, कहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कि ये कहाँ पर लाए कर रही है। जहाँ पर ये वैल्यू लाए करेगी वही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा भाई, तो मीडियन क्लास हो जाएगा। और मीडियन क्लास की ज़रूरत आपको पता ही है कि भाई हमको क्यों चाहिए मीडियन क्लास, क्योंकि सारे वैल्यूज हम कहाँ से फाइंड करते, तो हमेशा मीडियन क्लास से। अब नेक्स्ट, आपको रो मिल गया या फिर आपका मीडियन क्लास मिल गया, वहीं से आपको क्या करना है, सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एन बाई टू तो आपको मिल चुका, दैट इज योर 125। इसके बाद आपका क्या रहता है भाई, तो एल है, दैट इज योर लोअर लिमिट। अब अगर आप चेकआउट करें तो अब आपको सारे कोई भी क्लास को नहीं देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो भाई ये वाले किसी भी क्लास को आपको नहीं देखना है, ना ही ये ऊपर वाले वैल्यूज को देखना है, ना ही तो ये नीचे वाले वैल्यूज को देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक वाले वैल्यूज को देखना है। ब्लैक वाले वैल्यूज को मतलब भाई आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इतने टेबल पे होना चाहिए, इसके अलावा आपके दिमाग में ये सारे टेबल्स, ये सब हमको नहीं चाहिए। बराबर क्या? चलो अब बताओ, सबसे पहले एल का वैल्यू निकालना है हमें। देखो यहाँ पर एल का वैल्यू आपको दिया है क्या, चलो देखो सबसे पहले आपको किसका वैल्यू निकालना है, एल का वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं साइड में लिखते जाऊँ तो मेरा एल का वैल्यू देखो कितना दिया, एल का वैल्यू मुझे मिल जाएगा कितना भाई, तो 150, क्योंकि ये मेरा मीडियम क्लास है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो लोअर लिमिट 150, तो 150 लिख दिया। उसके बाद एच अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो 200 माइनस 150 विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 50। इसके बाद मुझे एफ निकालना है, एफ इसी में एफ ढूंढोगे तो एफ ये 90 है, तो 90 मेरा क्या हो जाएगा एफ। अब सी एफ निकालने के लिए मैंने क्या बोला, इसी लाइन में ये नंबर आपको दिख रहा है बट ये आपका सी एफ नहीं रहेगा, इसके ऊपर वाला आपका क्या रहेगा, सी एफ रहेगा। तो सी एफ में मैं क्या लिखूंगा भाई, तो 63 लिखूंगा। अब ये सारे वैल्यूज को मैं एक बार वापस यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये वो जो मैंने किया वो रफ आउट है, आपको यहाँ पर फाइनली फेयर में भी लिखना है। एल का वैल्यू हमें कितना मिला, तो भाई 150 मिला, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 150 लिखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एच, एच का वैल्यू मुझे कितना मिला, तो भाई 200 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 50। उसके बाद मुझे F का वैल्यू देखो, F का वैल्यू मुझे कितना मिला, 90 मिल गया। और CF का वैल्यू भाई मुझे कितना मिला देखो, तो 63 मिला है। बराबर CF मेरा कितना है, 63। एक बार आपको ये सारे वैल्यूज मिल गए, फिर आपको पता है क्या करना है, तो बाय यूजिंग मीडियन फार्मूला। क्या है मीडियन का फार्मूला भाई, तो बोलो ज़रा। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, मीडियन इज इक्वल टू स्टार्ट किससे होगा, एल से, फिर क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा ब्रैकेट, एल के बाद एम आता है, बट एम नहीं यूज़ करना क्योंकि एम यहाँ पर यूज़ हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, एन, एन को लेकिन डिवाइड करेंगे 2 से, फिर लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये साइन है तो ऐसा साइन यहाँ पर भी रहेगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, सी एफ अपॉन एफ, फिर मल्टीप्लाई बाय एच। अब सारे वैल्यूज को एक एक करके पुटअप कर दिया। एल का वैल्यू देखो आपको कितना मिला, एल का वैल्यू आपको कितना मिला, 150। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो 150, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट, एन बाई टू। एन बाई टू का वैल्यू देखो आपको कितना आया है, एन बाई टू का वैल्यू आया आपको 125। तो ये हो जाएगा आपका 125 माइनस सी एफ, आपको कितना मिला देखो, सी एफ आपको मिला 63। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, तो 63 अपॉन एफ, आपको कितना मिला देखो ज़रा, एफ आपको मिला 90। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90। फिर ये आपका मल्टीप्लाई बाय एच होगा, एच आपको कितना मिला भाई, तो 50 मिला। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये दैट विल द वैल्यू विल बी इक्वल टू 50 प्लस। ध्यान रखना ये 50 को आपको हाथ नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको ये पूरे को सॉल्व आउट करना है। अब देखो 125 माइनस 63 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 62। तो ऊपर कितना आएगा भाई, तो 62 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 90। बराबर अब यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, देखो ये हो जाएगा 150 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 62 इंटू 5 अपॉन 9, क्योंकि ये 0 0 आपने कैंसिल आउट कर दिया। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 150 प्लस, पहले तो 62 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 62 इंटू 5, 5 टू ज़ार 10 0 1, 5 6 ज़ार 30 31, ये हो जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 9, 310 डिवाइडेड बाय 9। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करोगे
जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 150 प्लस 34.44, और इसको जब आप इसके साथ ऐड करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा भाई, तो 184.44, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट टू 184। ऐसा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो पॉइंट के बाद ये जो दोनों नंबर है ये 5 से कैसे भाई, तो छोटे, अगर 5 से छोटा रहेगा तो 1 अप्रॉक्सीमेट में आपका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो 184 रहेगा। अगर बड़ा रहता तो मैं इसको क्या लिख देता भाई, तो ये मेरा आंसर कितना हो जाता, 185 हो जाता। देयरफॉर आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना है मीडियन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज। अच्छा ऐसा अप्रॉक्सीमेट क्यों लिखा, क्योंकि देख भाई मैंगोज है उसको आप हाफ करके नहीं दे सकते ना, इसीलिए देयरफॉर मीडियन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज इज 184 अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स लिखना आपको नहीं भूलना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नई कंटिन्यूएशन इसके आगे के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।